एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। इनको करने की बेस्ट अप्रोच हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नीचे फ्रैक्शन वाला पार्ट, यहाँ है 3 और 4। अब जितनी बार प्लस है उतने निशान लगाएंगे। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 11 29। अब लास्ट वाला ऊपर 29 और उससे पीछे वाला नीचे 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे है 2/3। 2 और 3 को लिखेंगे, प्लस एक बार, दो बार और 3 बार, तो 3 ऐसे निशान लगाएंगे। लेकिन इसमें इस बार यहाँ पर 1, 2 और 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1। इस 3 की इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 3 9 + 2 11। इस 2 की 11 के साथ मल्टीप्लाई, 22 + 3 25। इस 1 की इस 25 के साथ मल्टीप्लाई, 25 × 25 + 11 36। अब 36 डिवाइड में 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 1 और 2, 2 प्लस के निशान है तो 2 बार ये लगाएंगे, ये 5 और यहाँ 1। 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 10 + 1 11, 11 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 11 + 2 13। ये हो गया 4 = x + 1/13/11। 4 = x + ये उल्टा हो जाएगा 11/13। ये हो जाएगा x = 4 - 11/13, यानी कि 13 * 52 - 11 = 41/13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 - 5 / 10। इसको शुरू करेंगे 1 और 4। अब 3 बार प्लस का निशान है तो 3 बार ऐसे लगाएंगे, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 1। इस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 + 1 9, 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 27 + 4 31, 31 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +9 40। ये हो गया 4 - 5 इसके डिवाइड में 40 और इसके डिवाइड में 31। ये हो जाएगा 4 - 5 × 31/40। 5 से ये 8 बार जाएगा, ये होगा 4 - 31/8, यानी कि 832 - 31 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।